हमारी थ्रिलर जॉनर की पिक्चर तो सब लोग देखते आ रहे हैं, हम लोग को भी एज ए डायरेक्टर ऐसी ऐसी बात की कि हम लोग डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट करें, और हम लोग ने सब्जेक्ट सुना बहुत अच्छा लगा, और हम लोग ने सोचा इस टाइप के फिल्म करते हैं क्योंकि राइट एक्टर मिलना बहुत ज़रूरी है, राइट एक्टर हमको मिल गए तो हम लोग ने सोचा कि ये सब्जेक्ट हम लोग कॉमेडी बनाए। किसी का ये भी कहना था कि सर कपिल शर्मा का फेम इतना बढ़ गया है कि हमने बॉलीवुड मूवीज आने चाहिए। शाहरुख आते हैं जब घोड़े पे और म्यूजिक आधा बाजी करना, तो मैंने नहीं कभी जिंदगी में सोचा था कि मैं मुझे ये लोग कभी मुझे कास्ट करेंगे फिल्म में, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। कपिल आपने उनको कॉमेडी की तरफ मोड़ा है जी, और एक्शन भी देखने को मिलेगा जो है वो एक्शन में। सर ये ना एक्चुअली लेबल लग जाता है इंडस्ट्री में कि अब आप देखिए बासुसान सर की जितनी भी आप फिल्में देखेंगे आपको कॉमेडी कभी भी मिसिंग नहीं मिलेगी। आप अगर बाजीगर देखें, खिलाड़ी देखें, बादशाह देखें आप, तो ये लोग बना देते हैं ऐसा, अदरवाइज ये नहीं है। मुझे ये लगता है कि जो जिसको रोटी बेलनी आती वो चाहे कुलचा बेले, चाहे भटूरा, चाहे चपाती, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सो डायरेक्शन उनको पता है, उनको म्यूजिक की सेंस है, उनको स्टोरी की सेंस है, सो कॉमेडी हमेशा उनकी फिल्मों में रही है। हाँ इस बार ये नया कि आउट एंड आउट कॉमेडी जो है वो उन्होंने पहली बार करी है, क्योंकि इससे पहले मिला भी नहीं ना उनको। घर वाला एक्शन लेने को मिलेगा सर, स्टैंड अप कॉमेडियन जी। अभी आप जब एक्टर बन गए हो तो आगे चल के आप सारे जॉनर्स को सर बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा। मुझे अब्बास भाई ने ये भी कहा कि तुम्हें एक्शन सीखना चाहिए क्योंकि आगे चल के हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं, पर मुझे ये लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी से लोग मुझे जानते हैं। मैं सीरियस थिएटर करता रहा हूँ 10-12 साल, उसका किसी को पता नहीं एक्चुअली, क्योंकि जो ऑब्वियसली जब आप टीवी पे काम करते हो, जब करोड़ों लोग एक साथ देखते हैं, तो जो चीज़ आप करते हो वही दिखती है और वही उसी में लोग आपको मानते हैं। सो मुझे बड़े सालों बाद इसमें एक बड़ा क्लाइमेक्स सीन है जो हमारा, उसमें मुझे थोड़ा गंभीर और इमोशनल सीन भी करने का मौका मिला। सो फिल्म में सारे रंग हैं एक्चुअली, पर यह है कि मेन जो हमारी फिल्म है वो कॉमेडी है, तो मज़ा आएगा लोगों को। कपिल 70 mm पर पहली बार आप नजर आएंगे 70 mm कॉमेडी करते हुए, ऐसा कौन सा कॉमेडियन है जिसको आप मानते हैं कि हाँ 70 mm पर कुछ कुछ ना कुछ अपने जैसा उनसे रिलेट करते हैं? सर मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान किसी के जैसा नहीं होता, सब अलग होते हैं, पर मैंने हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा है। सर अगर आप महमूद साहब की बात करें तो वो ऐसे एक्टर थे कि उनका फिल्म में ज़रूरी उनका फिल्म में होना ज़रूरी समझा जाता था उस समय। अगर बच्चन साहब को आप देखें तो वो जब कॉमेडी करते हैं तो लगता नहीं कि उनसे बढ़िया कोई करता है, और जब एक्शन करते हैं तो ये भी नहीं लगता कि उनसे बढ़िया कोई एक्शन करता है। गोविंदा सर हैं, अरशद वारसी हैं। सर अरबाज भाई के मैंने ये सीखा कि अपने काम पर फोकस करो, भाड़ में गई दुनिया। तो वो अपना बड़ा कूल रहते हैं सेट पे अपना। मैं कभी कभी सोचता हूँ इतनी गर्मी में जब शेव करके आप गम लगाते हो और ऊपर से मूंछ लगानी पड़ती है तो बड़ी खींच आती है, तो बेचारे गर्मी में वो लगा के मूंछ और अंदर से जलन होती थी और एकदम से कुर्सी को पकड़ के बैठ जाते कि चलो 2-3 मिनट जलेगा उसके बाद आराम से बैठ जाओ, तो बड़े कूल हैं। तो उनके साथ मैंने पहले भी काफ़ी काम किया है। ये रियल लाइफ में हो तो बड़ा पंगा है, ये अगर 3 बीवियाँ और होती भी नहीं होंगी, मुझे नहीं लगता किसी की होती होगी। पहले ज़माने में होता था, राजा महाराजा रखते थे 365-400 बीवियाँ। मैं एक दिन कोई पता पढ़ रहा था, मैं वहाँ पे लिखा हुआ था, एक हमारे अमेरिका में कोई रेस्टोरेंट था, उन्होंने सब इंडियन राजाओं की फोटो वगैरह लगाई थी कि ये हो गया वो हो गया, इतने इसकी बीवियाँ इतनी थी इतनी। मैं सोचूँ अंग्रेज तभी घुस गए भारत में क्योंकि ये तो इसी चक्कर में बिजी रहे होंगे। पर नहीं, इट्स अ वेरी टफ थिंग कि पर हाँ ये फिल्म है तो एक लाइट मूड रहता है, ऑब्वियसली मैं इन्जॉय करूँगा क्योंकि ये फिल्म है। सो मज़ा आया फिल्म करके। जी आप अगर आप देखें तो ये भी स्वच्छता अभियान का एक हिस्सा है, बिकॉज हम लोग अगर स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो ये सब चीजें भी उसी में आती हैं, बिकॉज ये गणपति विसर्जन जो है मोस्टली मुंबई में ज्यादा मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। सो अगर हम लोग महाराष्ट्र में ये प्रण कर लें कि हमें अपना, क्योंकि हमें यहीं पे रहना है, तो अगर हम लोग इसको साफ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, कोई बाहर से आके तो रखेगा नहीं। अगर हम लोग कभी बाहर जाते हैं सबसे पहली चीज़ हम लोग ढूंढते हैं चॉकलेट खा के भी रैपर ढूंढने के लिए कि डस्टबिन कहाँ है, लेकिन अपनी कंट्री में हम लोग लिबर्टी ले लेते हैं ये। तो मुझे लगता है लोगों में अवेयरनेस आ गई अभी,
पूरी तरह क्लीन तो नहीं हुआ है और होगा शायद आने वाले सालों में, लेकिन इतनी अवेयरनेस लोगों में आ गई है जो मोदी साहब ने भी इनिशिएटिव लिया कि लोग अभी कहीं कचरा फेंकने से पहले फेंक देते हैं अभी भी, लेकिन अभी आसपास देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा, तो धीरे धीरे मुझे लगता है वो चीज़ भी कम हो जाएगी। जी क्या मैं आपके पास आया हूँ ना इसीलिए, तो एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं कुछ एक, जैसे हमारा शो कॉमेडी है तो द वॉइस उसमें जाके आए हैं, अभी हम लोग इंडियन आइडल में जाने वाले हैं, डांस इंडिया डांस में जाने वाले हैं, सो हर तरीके के शोज जो हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा उसमें भी जाएंगे, बिकॉज हर एक शो की अपनी अपनी खासियत है, सब जगह जाएंगे हम लोग। नई चीज सीखी आपने जब अभी अब्बास मस्तान भाई साहब? सर मैंने रोमांस करना सीखा एक्चुअली, पहले तो मैं बदतमीजी करता था, फ्लर्ट करता था अपने सेट पे, पर मैंने देखा है कि ग्रेसफुली रोमांस आप कैसे करते हो, और ये मुझे मस्तान भाई ने पहली बार बताया। हम राजस्थान में शूट कर रहे थे तो मेरे साथ मंजरी थी और सिमरन थी, उनके साथ शूट कर रहा था मैं, तो मुझे डर लग रहा था यार मैंने किसी की बहू बेटी को कैसे पकड़े यार, ऐसा नहीं अच्छा लगता है, तो मेरे को मस्तान भाई ने कहा कि नहीं नहीं तुम हीरो, तुम्हारी हीरोइन है, फिर मेरे दिमाग में आया यार ये तो हम तो आए इसीलिए इतनी दूर से फ्लाइट लेकर राजस्थान में, तो थोड़ी देर बाद फिर मुझे पता चला कि नीचे कब्रें थी लेकिन बड़ा खूबसूरत था, तो मेरे मन में ये भी आया कि नीचे आदमी सो रहे हैं यार बेचारे जो उनके ऊपर चढ़ के हम लोग समंदर तू किनारा मैं कर रहे हैं, पर नई चीज़ें सीखने को मिली क्योंकि ये कैमरा के आगे आपको जो आपकी स्क्रिप्ट में लिखा है वो आपको करना पड़ेगा और आपको यू हैव टू बी, तो मैंने बड़ी सारी चीज़ें सीखी सर उसमें, उसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, नया साल भी आ रहा है उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं, जन्माष्टमी भी आ रही है उसकी भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान आपको खुश रखे तंदुरुस्त रखे आपके परिवार खुश रहे और बस खुशियां खुशियां। जी पहले एक बात बताओ स्कूल नहीं गई आप आज? बड़ी छोटी सी जल्दी से यार 6 बजे। अच्छा आप अभी आपने बोला कि आपने रोमांस सीख लिया तो अभी आप शिमोना को साथ रोमांस करेंगे या फिर अभी भी उनको ऐसे? आशा यू आर टॉकिंग अबाउट दैट गर्ल हु कम्स इन टीवी, पर एंजॉय भी उसी चीज को करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, कम से कम हमारा कल्चर ऐसा तो है कि एक ही बीवी के साथ रहते हैं, दूसरे लोग तो वो कैलेंडर की तरह बीवियां बदलते हैं बाहर दूसरे देशों में अगर आप देखो, तो ये मुझे लगता है कि मैं नहीं बदलूंगा, मैं उसके साथ ऐसे ही रहूंगा, वो भी तो मुझे मारती है, उसके बारे में कभी नहीं पूछा किसी ने। कपिल कल रात पे और एक शो आ गया कॉमेडी नाइट जी, तो बहुत सारी अटकलें हैं कि अब कपिल का शो ऑफर हो जाएगा और वो शो भी वही टाइम स्लॉट पे आ रहा है सैटरडे के टाइम पे, तो संडे का स्लॉट भी वही शो फिल करेगा, तो इज इट ट्रू? नहीं ये बिल्कुल सच नहीं है, हमारा शो संडे को आता है और क्योंकि हम लोग ट्वाइस इन ए वीक थे पहले, तो वो सैटरडे हम लोगों ने छोड़ दिया स्लॉट, बिकॉज 26 एपिसोड की सीरीज बनाई थी ये, टचवुड लोगों का इतना प्यार मिला तो हम 200 एपिसोड के आसपास पहुंच गए हैं, सो फिल्म भी थी करने के लिए, आगे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो मुझे लगा कि क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए ना कि क्वांटिटी, मैं प्रोड्यूसर जरूर बनाऊं अपने शो का लेकिन मेरी प्रोड्यूसर वाली सोच नहीं है, मैंने अपने पैसे आधे कर लिए लेकिन शो मैंने मन से नहीं वीक किया ताकि लोग इन्जॉय करते रहे देखते रहे, वो अलग शो है वो उसका फॉर्मेट अलग है, वो सैटरडे को आएगा और हमारा संडे को। चलिए थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।